Fantastic. What else do you need? I mean, I'm glad and I'm happy. Priyamani and Samantha Ruth Prabhu dresses steal the show at the Haifa Awards. The both actresses are looking dazzling hot in their dresses. Priyamani was wearing low blouse Sabyasachi sari and she was looking very beautiful and hot. अपनी ट्रांसपेरेंट ग्रीन ड्रेस पहन के समंथा रूथ प्रभु हाइफा अवार्ड्स में शो स्टॉपर बन गई थीं। उनकी ये ग्रीन ड्रेस काफी रिवीलिंग लग रही थी और वो हॉट भी नजर आ रही थीं। कनेक्ट टू ट्राई एंड क्रिएट अ कनेक्ट आई थिंक ही इज दैट्स ऑल ट्रू। प्रियमणि भी जवान फिल्म के लिए आई थीं और वो भी पिंक साड़ी में काफी ब्यूटीफुल लग रही थीं। अबूधाबी में आईफा अवार्ड्स 2024 ऑर्गेनाइज किया गया। शाहरुख खान को जवान फिल्म के लिए बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला और शाहरुख के साथ ही रानी मुखर्जी को मिसेस चटर्जी वर्सेस नॉर्वे फिल्म के लिए बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला। Oh, I'm like 46. So yes, there has been a lot of change. And of course, audiences have changed. बॉबी देओल को एनिमल फिल्म में अबरार अहमद के रोल के लिए बेस्ट एक्टर इन नेगेटिव रोल का अवार्ड मिला। अपनी ब्यूटीफुल वाइफ तानिया देओल के साथ अवार्ड फंक्शन में आए थे। जब बॉबी देओल को अवार्ड मिला तो तानिया देओल ने इमोशनल होके बॉबी को एक लिप लॉक किस कर दिया जो कि सोशल मीडिया पे काफी वायरल हो रहा है। 12th फिल्म को बेस्ट स्टोरी का अवार्ड मिला। संदीप रेड्डी वंगा को एनिमल फिल्म के लिए बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मिला। समंथा की ट्रांसपेरेंट ड्रेस शो की हाईलाइट रही। हाइफा अवार्ड को शाहरुख खान, करण जौहर और विक्की कौशल ने होस्ट किया था।